वेलकम बैक टू माई चैनल पेपर है कैसे हैं आप सभी लोग आई होप अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या रहने वाले हैं यदि आप 2022 का पेपर देने वाले हो तो मैं आपसे छात्र से, से यही कहना चाहूंगा कि आप हिंदी की क्लास को अटेंड करें डेली ठीक है देखो मैं मैं यहाँ इस वीडियो को प्रेम पर लगा रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए ठीक है ठीके? बाकी जो छात्र अभी इंप्रूवमेंट का रिजल्ट आया है जो एम जेपी आर के छात्र हैं तो यार जो फेल हो गया उनके लिए बहुत बड़ी तो दुख का समाचार ये होगा कि वो फेल हो गए तो वो बी तो डाल नहीं सकते तो वो एक्स फॉर्म डाल दीजिए अपना तैयार कर लो दोबारा से यार और ये मार्च में अप्रैल में तुम्हारे पेपर हो जाएंगे थोड़ी मेहनत कर लो बस यही कहूँगा ठीक है तो बाकी आपका टारगेट जो रहना चाहिए हिंदी में 50 में से 40 प्लस रहना चाहिए मैं तो यही कहूँगा ये तैयार आपका करना है ठीक है अब देखो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ कौन देखो मैं आपको बस सिंपल तरीके से प्रेम पे क्लास चलेगी है मैं जो भी है मैं आपको लगा दूंगा फटाफट क्लास करा के मैं को जाए तो टाइम नहीं लगेगा हम लोगों को ठीक है बस आपको यह देखना है कि आपकी पृष्टि कितनी है मतलब आप क्वेश्चन का कितना सतीक आंसर दे पा रहे हैं जो मैं प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ वह सत में कितना लगा पा रहे हैं बस ये देखना है क्योंकि हमें बस इतना यदि आपका चालीस प्लस टारगेट पहुंच जाता है ना तो आपको कोई फेल करने वाला मैंने ये नहीं कहा था भाई किसी के यूट्यूब से मतलब जहां पढ़ना है पढ़ो मुझे कोई दिक्कत नहीं जिस यूट्यूब से चलो लेकिन बस आप ये लगा के जाओ कि प्रैक्टिस सेट जो मैं आपको दे रहा हूँ उसमें चालीस प्लस जा रहा है जा रहा है तो आप बहुत अच्छे खेल रहे हो इस बात को याद रखना है ठीक है तो आपका बी एड एंट्रेंस एग्जाम में गवर्नमेंट कॉलेज में सौ परसेंट आपको एक अप्रूवल मिलेगा मतलब अप्रूवल का मतलब है कि आपको सीट मिलेगी समझ रहे हो तो मैं बस यही करा दूंगा क्या बनो को पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको ध्यान देखो यह कह रहा है दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो सो क्या बोते हैं देखो दो व्यंजन की बात करना व्यंजन का मतलब क्या होता है मान लीजिए बा है और बा मिल गया तो क्या बन गया दो व्यंजन या फिर मान लीजिए का और बा मिल गया अब दो व्यंजन ये भी व्यंजन है का और बा भी व्यंजन है तो दोनों मिले तो क्या हुआ कब हो गया अभी जब कब हो गया तो इसको क्या कहेंगे हम संयुक्त व्यंजन कहेंगे यार दोनों मिले हैं सहयोग हुआ है आपस में तो क्या हो जाएगा संयुक्त व्यंजन ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दो अब देखो हम समझ के पड़ेंगे तो हमारा मतलब है वो पढ़ो जो एग्जाम में आए समझ रहे मेरा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इसको देखना है आपको अलंकार बताना है इसमें अलंकार कौन सा है इसमें अलंकार कौन सा है कह रहे राणा ने सोचा इस बार तब तक चेतक उत्तर चेतक था उस पार चेतक को कहा जाता है घोड़ा चेतक बोला जाता है घोड़ा को और जो राणा थे वो एक राजा थे मान लीजिए उसने सोचा कि यार ये उस पार कैसे पहुंचा जाए तब तक थेतक था क्या हुआ इतनी बड़ा चढ़ा के बात की जा रही है मतलब कि अतिशुक्ति अलंकार हो जाएगा बहुत बड़ा चढ़ाकर बात करना अतिशुक्ति अलंकार ठीक है अनुक्ति अलंकार किसी युक्तियों के माध्यम से करना भर्तीमान क्या होता है भरतीमान का मतलब होता है कहते हैं ना हंसनी चुंग रही उसकी बूंदों को मोती समझ कर ठीक है तो मतलब कि भ्रमित हो जाना कि लिए हम खा कुछ और रहे समझ के कुछ कह रहे हैं कि खा कुछ और रहे लेकिन हमें जो प्रकृति द्वारा मतलब हम मान लो भोजन खा रहे हैं मान लीजिए हम केला खा रहे हैं तो मोसी खा रहे हैं जो भी खा रहे हैं लेकिन हम खा समोसे जान के रहे लेकिन वो है कुछ और समझ रहे हो तो कभी हो जाती है हमसे तो गलती हो जाती है हम भ्रमित हो जाते हैं उस चीज पे तो भ्रमित मानव संदेह जब कोई हम संदेह होता है कि यार ऐसा कुछ होने वाला है शायद यह होने वाला है वो होने वाला है ऐसा कुछ हो जाता है तो वो संदेह अलंकार होता है तो यहां क्या हो जाएगा अतिशुक्ति अलंकार को ऑप्शन नंबर हम डी को लॉक करेंगे ठीक है तो यहां जिसने भी डी को लॉक किया परम परमस आंसर देखो समझ के पढ़ो अच्छा पढ़ो मैं यही कहना चाहूंगा ठीक है पेपर हैकर पर थोड़ा सा भरोसा करो मैं आपसे बोल रहा हूं आप डेली अटेंड करोगे क्लास को आपको फेल करने वाला कोई नहीं है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक बार ध्यान से देखते रहेंगे क्वेश्चन का आंसर देते रहेंगे फटाफट

पर्यावाची मतलब समान अर्थ वाले समानार्थी बोलते हैं पर्यावाची वो भाई तो सेना का क्या क्या बोल देखो सेना को सैन्य बोला जाता है बिल्कुल सही है सभी में सैन्य है सेना को क्या बोला जाता है कटक भी बोला जाता है कटक भी बोला जाता है और साथ ही साथ बाहिनी भी बोला जाता है जिसने भी ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया है परम सत्ता आंसर होगा ए वाले जो भी है ना परम सत्ता आंसर है चलो ए को लॉक कर दो फटाफट ए को लॉक कर दो नेक्स्ट क्वेश्चन

आपके सामने इसको देखिए यहां देखिए फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन को देखेंगे बार यहां कह रहा necessary... है जहां पहुंचना पहुंचा ना जा सके देखो जहां पहुंचा ना जा सके उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं जिससे जहां पहुंचा ना जाता मतलब हमें कभी संभावना नहीं वहां पहुंचेंगे उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे बताइए बिल्कुल सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है जहां पहुंचा ना जा सके उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे बिल्कुल ठीक है आगम्य ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे आगम्य नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है वीर की भाववाचक मतलब वीर की भावना जो अंदर से प्रकट होती है वो बीर आपको बताना है वीर का भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी देखो बीरु तो तो हो होगा होगा नहीं नहीं काट दो बैरी तो नहीं, बैरी कोई भावना थोड़ी है बीरान भी नहीं होगा वीरता अंदर से भावना आती है भाई बीरता है प्रकट की तो ऑप्शन नंबर भी दिया है एक ओ लॉ बिल्कुल राइट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इसको देखिए एक बार अट्ठावनवा क्वेश्चन आपके सामने है इसमें हमसे रस पूछा है बेटा रस बताना है कौन सा रस है मैंने आपसे बताया ना देखो बीर रस तब होगा उसमें वीरता की बात की हो इसमें कहा है यहां वहां दुई बालक देखा मतलब क्या है यहां वहां दुई बालक देखे हमने इधर उधर बालक देखे और कह रहा है मति भ्रम मोरी की आन का अब यहां कह रहा है मति भ्रम हो गई है और मोरी मतलब मेरी मति ब्रम की आग बिसेखा देख उनको अब देखी राम जननी अकुलानी और प्रभु हसी दिन है मधुर मुस्कानी अब यहां देखो बीर की तो बात नहीं कही है रोध क्रोध तो आया नहीं है इसमें अब देखो अद्भुत अब बात की जाए भयानक भय तो यहां लगा नहीं है भैया भय तो हो या देखो हमने इधर उधर दुई बालक देखे हमने दुई बालक देखे तो होता है घूमत भय बहत मोई आन विषय खा मेरी भ्रमित हो गया मैं देखकर इस तरीके से बोला गया तो देखो यहां क्या है भयानक तो होगा नहीं क्यों यहां होगा अद्भुत मतलब अच्छा मतलब आश्चर्य यहां यहां प्रकट हुआ है कि यहां वहां कोई बालक देखी मैं भ्रमित हो गया और मैं मतलब आश्चर्य ऐसे कैसे हो सकता है एक बालक दो जगह कैसे देख सकते हैं ऐसा कुछ बगैर ये चीज देगा तो वहां क्या होगा अद्भुत रस हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है डी बिल्कुल राइट होगा कौन कौन है डी पे को लॉक कर दो फटाक से बता लो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं ठीक है तो इस तरीके से हम देखेंगे थोड़ा सा माइंड लगाएंगे ना तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देख सामने आ चुका है क्वेश्चन बोला गया है इसमें आपको संधि विच्छेद बतानी है संधि विच्छेद मतलब कि अलग अलग कर देना है संधि मतलब जोड़ना संधि विच्छेद अलग अलग कर देना कर दो फटाक से बताओ राजश्री को आप किस तरीके से लिखेंगे राजश्री को आप किस तरीके से लिखेंगे राजश्री का संधि विच्छेद क्या होगा फटाफट बताएंगे राजश्री का संधि विच्छेद क्या होता है राजा प्लस ऋषि राज्री होता है राजा प्लस ऋषि जिसने भी ऑप्शन नंबर दिया है बी परम सत्ता होगा राजा प्लस ऋषि ठीक है और राजा में क्या हो जाएगा राजा प्लस ऋषि याद रखना है तो जिसमें इसमें गुड़ संधि हो जाएगी कभी भी पूछे कौन सी संधि तो गुड़ संधि हो जाएगी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसको देखिएगा यहां साठवां क्वेश्चन बोला गया जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके जो स्त्री सूर्य को नहीं देख सकती है उसको लिए हम एक शब्द में क्या बोलते हैं जो स्त्री सूर्य को नहीं देख सकती है उसके लिए एक शब्द में क्या बोलते हैं चलो हाँ सभी लोग यहां स्टार्ट बता दो आंसर दो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी

चीनी है फ्रांसी है पुर्तगालीन है बताओ फटाफट क्वेश्चन का आंसर दो तो। काजू जो है ना बेटा काजू वो फारसी भाषा का शब्द है ऑप्शन ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है आकाश का पर्यावाची कौन देखो नव माने आकाश होता है ये तो पर्यावाची है बेटा अंबर को भी बोलते हैं देखो बात करें अंतरिक्ष अंतरिक्ष को भी आकाश बोला जाता है लेकिन नीरज नीरज जो नीरज देख रहे हैं नीरज को क्या बोलते हैं बेटा नीरज जो है वो कमल का पर्यायवाची होता है कमल का ठीक है नीरज कमल को बोलते हैं लेकिन आकाश को नहीं बोलते ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है एक बार देखेंगे सभी लोग यहां देखो आह कह रहा है चोर पकड़ा गया आह चोर पकड़ा गया अभी आह आया ना ये कैसा चिन्ह है अब देखिए आह आह बस आ गया छी ऐसा कुछ वर्ड बोलते हैं ना हम लोग तो यहाँ जो आकर्षित वर्ड होता है वो विषम यादि बोधक बाकी के अंदर आता है जिसने भी ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया परम सत्य आंसर हुआ चलो आह क्या बात है चलो इसको देखेंगे बेटा यहां 64 क्वेश्चन बोल रहा है यहां कह रहा है होठो की देखो कह रहा है होठो की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा टो होटो, होटो की आवृत्ति बोला गया आब्रतमुखी आब्रतमुखी मतलब आब्रतमुखी हमारा मुंह है वो ब्रत की तरह गोल नहीं होगा समझ रहे ना आबिर्टे आबिर्टे मुखी, गोल नहीं होगा मुंह ऐसा नहीं होगा मतलब खुला रहेगा थोड़ा गोल नहीं होगा फिलहाल आब्रतमुखी ई ये कौन सा है उ बड़ा छोटा उ उ छोटा ऊसा आ रहा बेटा यहां चेक करो एक बार सभी लोग क्या रहेगा जिसने भी ऑप्शन नंबर देखो यहां बात किया आब्रित मुखी कौन कौन से होते हैं जैसे ई छोटा आ देखो ई छोटी ई और आ याद रखना और बड़ा आ और बड़ी ई छोटी ए और बड़ी ए जो है ये आवृत मुखी स्वर होते हैं इनको नोट कर लो ये आवृत मुखी स्वर होते हैं जिसमें से क्या हो जाएगा छोटी ई छोटी ई हमारा देखो मुंह से बोलो छोटी ई मुंह हमारा कैसा फैल गया गोल नहीं हुआ है अब देखो ऊ बड़ा उ आ, गोल हो रहा है ना मुँह गोल हो रहा है फैल थोड़ी रहा है अवृत थोड़ी गोल हो रहा है व्रत के आकार का हो रहा है तो देखो छोटी ई तो टी इ, हमारा आ, फैल रहा है तो जिसने भी दिया, एक हो और दूसरा समास होता है जहां गिनती की, की, की बात की जाती है जहां विलोम की बात की जाती है जहां कारक की बात की जाती है समास होता है कब तक बताते रहेंगे इसको बताओ आप चुट्टियों में लगा दोगे मुझे पता है चलो यहां बात करने वाले हैं 66 क्वेश्चन के आंसर की, की फटाफट 66 क्वेश्चन बताना है इसमें आपसे छंद पूछा गया है जब भी छंद की बात करता है तो आपको सबसे पहले करना है क्या है सबसे पहले क्या करना है आपको तो गिनती गिननी है कि भाई इसमें कितने वर्ड है तभी तो हम बता पाएंगे देखो यहां कितना है यहां यहाँ पर एक ही मात्रा है छो, छोटी की मात्रा है ना तो एक गिनेंगे देखो एक दो देखो क्या दो दो, 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 दो गिनो दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह हो गई यहां अब देखो यहां कह रहा हूं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ठीक है और तेरह तेरह यहां हो गई अब देखो तेरह और ग्यारह को दोनों को जोड़ना कितने हो गए चौबीस मात्र आए तेरह और ग्यारह कितनी होती हैं चौबीस और चौबीस में जब एक चरण में चौबीस है यहां से यहां तक तो इसमें कितनी होंगी इसमें भी गिल्लो इसमें भी चौबीस होंगे गिल्लो यहां भी चौबीस होंगे तो कहते हैं रो मत चुप जा मैं कहता हूं रो मत रो मत रोला देखो चुप जा चौबीस मात्राएं मैंने एक ट्रिक बताई थी ना ओलाला छपिया कहते हैं ना पंचायत करी तो ओलाला ठीक है ये सारी ट्रिक है ओलाला पंचायत पंद्रह तेरह ठीक है ओलाला पंद्रह तेरह पंचायत करी तो ओलाला है ना उल्लाला उल्लाला में पंद्रह तेरह मात्रा होती है ना कुंडली uh, में आप जानते हैं समझ है? तो रहे हो और इसी प्रकार छपिया आप जानते हैं छपिया लला छप छप करता है तो ये सारी ट्रिक है जो हमने आपको पूरी तरीके से क्लियर कर रखी थी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक बार देखेंगे यहां बोला गया अर्थ के अनुसार बाकी के कितने भेद होते हैं

पर उपसर्ग मतलब पर लगाओ पहले भैया उपसर्ग की बात करने वाला है देखो लगाए तो खत्म कर दो लगाए खत्म कर दो परधीन परधीन होता है कोई शब्द नहीं पराधीन शब्द शब्द होता है परधीन तो कोई नहीं पड़ा दो फटाफट क्या होगा पराधीन ऑप्शन पर प्लस आधीन होता है पर प्लस आधीन ये होता है पराधीन का संधि विच्छेद तो यहां राइट क्या होगा ये हो गया हमारा क्या उपसर्ग ये क्या हो गया हमारा प्रत्यय ऑप्शन नंबर जिसने लगाया है डी परम सत्य आंसर होगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखो 69 बुलाए रातों रात में समाज कौन सा हुआ मैंने कहा ना जहां लगातार कोई काम चलता है लगातार कोई काम चलता है रातों रात दिन दिन ठीक है ऐसा जब भी आता है वहां क्या होता है अभिवाही समाज हो जाता है ठीक है तो अभिवाही समाज आता है तत्व समाज जहां कारक की बात की जाती है कर्मधार पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताए दो समाज जहां क्या हो ोम हो एक दूसरे के यहां रातों रात है रात दिन होता विलोम होता तब हम कौन समाज लगाते समझ रहे हो ना मैंने पहले बता रखा है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर एक लॉक करो ये बताओ इसका आंसर क्या होगा सत्तरवा क्वेश्चन आपको बता रखा है कि जहां प्रत्येक क्षण में लघु लघु का मतलब होता है एक मात्राएं गुरुवर्ण मतलब की दो मात्राएं का किरम और संख्या बराबर हो किरम और संख्या बराबर हो मतलब कि पांच लघु है तो पांच ही ल... गुरु होना चाहिए

देखिए बोला गया सेवेंटी वन में बोला गया हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए रेखांकित शब्द जो है ना प्रतिदिन इसमें आपसे पूछा गया है कि भैया शब्द को छानना है मतलब प्रतिदिन जो शब्द है वो क्या है उपसर्ग है प्रतिदिन सर्वनाम है अव्य है या कारक है आपको बताए प्रतिदिन क्या है मतलब प्रतिदिन हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए और जो कभी नहीं बदलती है उसको क्या बोलते हैं उसको क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है बेटा अव्य जिसे बोलते हैं आविकारी शब्द ये कैसा होगा ये है काल बाचक क्रिया विशेषण मैंने कहा ना यह अव्य अभि के चार भेद होते हैं पता है आपको और जिसमें से पहला जो क्रिया विशेषण होता है उसका नाम हो जाएगा काल क्योंकि जिसने दिया है, बी यहां बोला गया है पृथक का सही विलोम क्या रहने वाला है देखो पृथक का सही विलोम पूछा है मतलब पृथक करना इकट्ठा करना फैला भैया अब फैले हैं तो क्या कर रहे हैं बताओ जब तुम फैले हो तो क्या करे हो हाँ, पृथक मतलब अगल मतलब पृथक मतलब क्या अलग करना मतलब किसी चीज को पृथक कर देना अब हमें क्या करना है पृथक मतलब होता है अलग करना ठीक है नहीं अलग करना होता है पृथक करना मतलब होता है एक ना, मतलब अब क्या करेंगे बिलोम क्या हो जाएगा पृथक का मतलब होता है अलग करना ठीक है अलग पृथक अलग करना और अब संयुक्त कर देंगे ऑप्शन नंबर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है बी परम सत्ता का संयुक्त करना होता है पृथक का मतलब होता है अलग करना मतलब इनसे यार पृथक कर दो इधर से कर दो साइड कर दो ठीक है तो वो अब क्या संयुक्त कर देंगे मतलब जोड़ देंगे ठीक है चलो संयुक्त कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है चलो इसको छोड़ो ठीक है

नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे बस आपका आंसर बोला है कौन सा शब्द अव्य नहीं है अव्य मतलब को आविकारी शब्द बोलते हैं अव्य नहीं है भैया जो कभी बदल जाए तो कैसा है? देखो कल की बात करें इधर की बात करें आज देखो आज कल अब ये कौन सा आ गया ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया इधर स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया लेकिन इससे किसे ऐसे तो है नहीं किसे किसे क्या है पता नहीं क्या है तो ये क्या हो जाए किसे हमारा अव्य नहीं होगा और जो किसे सर्वनाम जो कौन सा नाम हो जाएगा सर्वनाम तो आप कहोगे ये हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे देख रहे हैं आप किसे खोज रहे हो बता दो हमें प्रश्नवाचक हो गया किसे देखने आए हो यहां क्या खाने हो मतलब किसे क्या ये प्रश्न सब नाम के अंदर करता है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार लॉक कर देंगे 76 क्वेश्चन के आंसर को बताओ यहां पोलिंग शब्द पूछा गया है मैंने कहा मेरा लगा के देख लो आंसर आ जाएगा मेरा मेरा हवा होता है नहीं मेरी हवा होता है मेरा कोयला कोयला बिल्कुल सही है मेरा कोयला होता है मेरा दार दायरा देखो दायरा बोला गया मेरा दायरा मेरी दायरा मेरा दायरा शिक्षा मेरी शिक्षा होता है दायरा देखो मेरा दायरा और मेरा कोयला कोयला इज राइट मतलब मेरा कोयला कोयला बोला गया तो ऑप्शन नंबर बी को लगा दायरा मेरी दायरा मेरी दायरा में तुम तो बहुत ज्यादा आ रहा है मेरी दायरा मत इस इस दायरे मत कहते हैं ना मेरी दायरा मतलब मेरी एक स्त्री हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिसने बी को लॉक किया है कोयला बिल्कुल को राइट होगा यहां नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं एक बार सभी लोग बेटा वीडियो को शेयर कर देंगे बाकी दवा के शेयर करेंगे सभी लोग सर ठीक है इस क्वेश्चन को देखिए सेवेंटी बोल रहा है कि किस वाक्य हाँ में पूर्णकालीन क्रिया का प्रयोग हुआ है ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें पूर्णकालीन क्रिया मैंने कहा ना जब पूर्णकालीन क्रिया की बात हो तो वहां कर का यूज कर दिया करो अब कर कहां दे रखा है देखो वहां देखो बह नहा कर पड़ेगा नहा कर मैंने कहा कर जहां हो वही पूर्णकालीन क्रिया होती है वही उदाहरण होता है ये ट्रिक है बाकी देखो कहीं कर का यूज नहीं होगा किसी भी वाक्य में ये इस बात को याद रख लेना है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखेंगे आपके सामने 78 क्वेश्चन आ चुका है यहां बोल रहा है हमसे ध्यान से देखेंगे एक बार और वीडियो को लाइक कर देंगे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे आइकन को प्रेस करेंगे ठीक है यहां निम्नलिखित में से आपको सरल बाक के अंतर्गत आएगा कौन सा सरल बाक के अंतर्गत आएगा बताइए कौन सा सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा सरल के क्या होता है मतलब सिंपल उसे पढ़ने में मतलब पढ़ने में मैं कोई दिक्कत महसूस ना हो सिंपल बाक हो वो हमारा सरल वाक्य के अंतर्गत आता है चलो 78 एट क्वेश्चन का आंसर दे दो फटाफट बिल्कुल देखो यहां देखो क्या है डैश लगा है इसलिए अब आप लगा सकते तो हो इसलिए तो वैसे ही खत्म हो गया

फटाक से बट्टा दो 79 बोल रहा है कि केस का पर्यायवाची शब्द नहीं है बताओ केस मेरे केस कहते हैं ना बादलों को बोला जाता है भाई कच वगैरह वो ठीक है चलो केस का पर्यायवाची कौन सा नहीं है फटाफट कमेंट सेक्शन में बता देंगे केस का पर्यायवाची नहीं है बोर्ड होता है रसो कह सकते हैं देखो सरो रुह सरो रुह का मतलब क्या होता है सरो कमल को बोला जाता है बेटा कमल को क्या बोला जाता है कमल को बोला जाता है ये कमल का पर्यावाद चाहिए ठीक है थीके? इस बात को याद रखेंगे यही नहीं होगा बाकी कुंटल कच्छ और जो केस के पर्यावाची होते हैं ये सब केस के पर्यावाची होते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में यहां विशेषण पूछा गया है कि बह खंभा बह खंभा गिर जाएगा इस पंक्ति में विशेषण बता दो जो बह है ना बह वो दिख रहा है वो सामने पं खंबा वो गिर जाएगा अब यहां जो बजाय बह गिर जाएगा मतलब क्या कह रहा है ये निश्चित है कि बह खंबा गिर जाएगा बह मतलब कि ये निश्चित हो गया निश्चित परिमाण बाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा बाकी ये अनिश्चय देखो एक बात रखो यहां देखो बह खंबा गिर जाएगा ठीक है अब देखो यहाँ निश्चय वाचक हो गया एक निश्चित परिमाण वाचक विशेषण हो गया ध्यान से यहां दो कंफ्यूज आपको करेगा एक बार ध्यान से देख लो यहां परिमाण की बात कर रहा है परिमाण में होता है कितना मतलब कि कितना दो किलो चार किलो पांच किलो ऐसा खंबा किलो में नहीं होता है यहाँ किलो परिमाण की बात नहीं करेंगे क्योंकि खंबा एक परिमाण नहीं है दो किलो चार खम्भे ऐसा कुछ नहीं मतलब जहां परिमाण कितना यूज हो मतलब ज्यादा ज्यादा कम जादा ऐसा कुछ होता है तब तो। लेकिन खंबा गिर जाएगा एक बार देखिए बह खं ये सर्वनाम है खंबा एक सर्वनाम हो जाएगा वह का एक निश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा बह का जो यूज हुआ है लेकिन परिमाण में कितना यूज नहीं होगा इस बात को थोड़ा सा हमें थोड़ा सा देख रहे हैं क्योंकि हम गलती कर सकते हैं ठीक है तो ये बात बहुत जरूरी है चलो ऑप्शन नंबर यहां सी को लगाएंगे निश्चय बाचक सर्वनाम विशेषण हो जाएगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 81 क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन ने महान कह सकते हैं महाप्राण व्यंजन कौन सा है महाप्राण का मतलब क्या होता है महाप्राण जिसमें बहुत ज्यादा वायु हमारे मुंह से निकलती है का खा, खा गा घा चा देखो आपको पता है महाप्राण कौन कौन से होते हैं खा और घा ये जो दूसरे और चौथे बड़ वाले जो होते हैं वो महाप्राण होते हैं बाकी पहला और तीसरा और पहला तीसरा और पांचवा जो होता है वो अल्प्राण होता है देखो पहले में आता है का पहले में है, और गा आता है तीसरे में, लेकिन जो खा आप देख रहे हैं कैसा ज्यादा वायु निकलती है हमारे मुंह से और यही गलाता है महाप्राण ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो तो यार फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन चलो 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 हाँ ये बात इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला 82 क्वेश्चन को देखेंगे कह रहा है किस किस ने झगड़ा करते करे किस किस से झगड़ा करते फिरोगे ठीक है अब देखो किस किस दो बार आया है इसमें किस वो वाला वर्ड मत करना तुम समझ रहे हो गलत वाला चलो यहां कह रहा है किस किस से झगड़ा करते फिरोगे ठीक है तो आपको बताना है देखो किस किस ये क्या है सर्वनाम है विशेषण है प्रशेषण है या संज्ञा आपको बताना है किस किस से आपको बताना है किस किस से जो किस किस है ना वो प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाता है ना कि मैंने किसे किससे देखने जा रहे हो कौन है रहा है किस किस से अब यहां लास्ट में तो देख लो ये क्या लगा है भैया इसका पूरा सरदार तो यही है क्या है प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक अब क्या होता है सर्वनामी होता है आपको पता है तो होती नहीं है ना ही विशेषण ना ही प्रशेषण जिसने भी ऑप्शन लॉक किया है सी परम सत्ता चलो हाँ तो थोड़ा सा माइंड लगा लो यार थोड़ा है हमारे पास उसको यूज करो एटी थ्री क्वेश्चन बोला है अपादान कारक युक्त वाक्य कौन अपादान का मतलब क्या होता है कोई भी चीज हमसे अलग हो रहा है अपादान अलग होना ठीक है अब देखो कह रहे पद से च्यूत मतलब पद से च्यूत पद से दूर होना ठीक है अचूत मतलब चूत मतलब मतलब होता है पद से अचूत, हमने पद है जो हमारे प्रधानमंत्री का पद ले लो किसी मुख्यमंत्री का पद लो, हम उस पद से दूर हो गए हट गए समझ रहे हो ना तो पद से च्यूत ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो तो सबसे पहले चलो हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एट्टी फोर क्वेश्चन बोल रहा है शब्द 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 कौन सा है वो होते हैं जो देश में ही जन्मे हैं मतलब देश में ही हमने बना दिया भैया झोपड़ी ये मैंने आज भी झोपड़ी बनाई है अपनी कह कहते थे ना झोपड़ी बनाई है तो झोपड़ी का मतलब क्या हो गया यार झोपड़ी हमने देश में ऐसे वर्ड बोलते हैं कि भाई झोपड़ी बना लो झोपड़ी बना के रह लो तो जिसने भी ऑप्शन को लॉक किया है ए परम आंसर होगा ए ए ए ए ए ए ए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखिए यहां बोला गया है इसमें आपको प्रत्यय बताना है गर्माहट में आपको प्रत्यय बताना है देखो गर्म प्लस आहट गर्माहट होता है ना गर्म देखो कह सकते हैं गारा और मा गर्म प्लस आहट गर्माहट यही तो होगा ना गर्म प्लस आहट गर्माहट तो गर्म प्लस आहट गर्माहट होता है तो ये जो आहट आप देख रहे हैं ये प्रत्यय का यूज हुआ है गर्माहट में चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां 86 क्वेश्चन बोल रहा है तत्सम शब्द कौन सा नहीं है तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से आए हुए होते हैं जीव के तुम लाए हुए होते हैं लेकिन जो हम अपने मुंह से बोलते हैं ज्यादा कर जो बोलते हैं वो हम तद्भव शब्द बोलते हैं अब देखो जो सिंपल भाषा में हो वो तद्भव शब्द होगा जो कठिन भाषा में हो वो हमारा तत्सम शब्द होता है पंक्ति रीत देखो रीत कहते हैं ना रीत चली आई प्राण जाए पर बचन न जाई कहते हैं रघुपति हाँ सदा रीत चली आई प्राण जाए पर बचन न जाई जो रीत देख रहे हैं ये शब्द जो है शब्द है बाकी जो पंक्ति और सीत सब तत्सम तो शब्द है चलो यहां बोला गया है संधि सही नहीं है कौन सा सही नहीं है भाई तीन तो सही होंगे और एक सही नहीं होगा कौन सा देखो महा आत्मे भय आक्रमान स्नेह और अविष्ट स्नेह प्लस अभिष्ट स्नेविष्ट होता है या कटक या फिर आक्रमण बताओ कट, कह सकते हैं कंटक आक्रमण आकरणीय इस क्वेश्चन का आंसर बताऊ क्या रहने वाला सेवेंटी एट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 87 क्वेश्चन का हाँ इसमें आपका जो ऑप्शन रहने वाला है वो रहेगा आपका जो अशुद्ध नहीं है शुद्ध नहीं है वो हो जाएगा हमारा हाँ महा प्लस देखो यहां देखो महा देखो यहां देखो आ का डंडा और यहां देखो यहां भी बड़ा आ है और बहा बड़ा है यहां बड़ा आ नहीं होगा ये देखो महा प्लस अमान होता है अमान्य तो जो छोटा का यूज किया जाएगा क्योंकि बड़ा आ के साथ बड़ा युग बड़ा आग कभी नहीं आता है, ये आपको पता है बड़े आग के साथ छोटा आ जाएगा ये बात सही है तो यहाँ छोटा का यूज होगा ऑप्शन नंबर ए को लॉक करें चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखो पंडित में आपको विलोम बताना है पंडित का विलोम क्या होता है यार पंडित है पंडित को ज्ञानी ऐसे कुछ कहान बताओ पंडित का विलोम क्या होगा पंडित का मूर्ख हो जाएगा जिसने भी ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है बिल्कुल राइट है पंडित एक ज्ञानी होता है और मूर्ख तो मूर्ख होता है धीरे धीरे चलो तेज चलो मैंने कहा कैसा होगा क्रिया विशेषण होगा कैसा क्रिया विशेषण होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण मैंने कहा ना कैसे चलो भैया धीरे धीरे चलो तेज तेज दौड़ो रीतिवाचक क्रिया विशेषण और कैसा रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा यह एक अव्य है जो कभी नहीं बदलता है

क्या हो जाएगा देखो बात करें यहां देखो गागा दो बार तो आएगा नहीं काट दो दिख प्लस अज कैसे आ जाएगा देखो यहां आधा का है आधा का हो जाएगा बात खत्म करूं दिग दिग प्लस गज बिल्कुल राइट होगा जिसने भी ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया यहां जिसने बी को लॉक किया एक बार बी को जिसने लॉक किया है परम सत्ता दिग प्लस गज हो जाएगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां त्राम क्वेश्चन बोल रहा है किस विकल्प में मुहावरे का देखो बोला है भावार्थ गलत है मतलब कि जो अर्थ है मुहावरे का वो गलत है वो कौन सा है बताइए कान खड़े होना मतलब क्या होता है संपर्क कैसा सतर्क हो जाना बिल्कुल सही है हमसे गलत पूछा है कौन सा है देखो कन्नी की बात करें ठीक क… है कन्नी काटना का मतलब क्या होता है पेच लड़ाकर पतंग लड़ा काटना कन्नी काटना कहलाता है क्या देखो कन्नी काटना पेच लड़ाकर कन्नी काटना यह बिल्कुल गलत हो जाएगा ठीक है इसका होता है बचकर निकलना मतलब कन्नी काटने का मतलब होता है बचकर निकलना मतलब कन्नी काट दिया तो वो कह रहा है डर के मारे बच के निकल गया साइड से होगा ठीक है कहते ना तो वो चीज तो कन्नी काटने का मतलब होता है बच के निकलना लेकिन पेच लगाकर पतंग काटना ये तो गलत बात होगी ऑप्शन नंबर हम किसी ने भी दिया है क्या ए बिल्कुल राइट होगा बाकी सब सही है पत्थर पर लकीर होना आप जानते हैं पक्की बात करना मैंने कह दिया ना सूरज जो कहता है वो करके दिखा देता है सही है तो कहते हैं मतलब कह सकते हैं पत्थर पर लकीर है भाई ठीक है दो ना मतलब प्रस्ताव करना बिल्कुल सही है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ इस बात को देखेंगे नाइनटी फोर क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार जिसका दमन ना किया जा सके जिसका दमन ना किया जा सके उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे जिसका दमन ना किया जा सके उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे बताइए आदम में बोलेंगे जिसका दमन ना किया जा सके उसे अदम में बोलेंगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अदम में यहां देखो भाव भावना की बात की है, मैंने भाव जहां नहीं का यूज हो वहां लगा देना आंसर भाव की ट्रिक बताई दी मैंने जहां नहीं का यूज हो वहां लगा देना भावना हो नहीं हो ठीक तो है सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता और नहीं जहां होता है वही हमारा भाव संज्ञा आ जाती है प्रकट हो जाती है ये ट्रिक है बेटा नाइन्टी नाइन परसेंट फॉलो होती है चलो उसको लिखते रहना बहुत कम लोग बताते हैं आपको पेपर हैकर आपको बताता है सब कुछ यहां निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करते कौन कौन से हिस्से में त्रुटि है मतलब यह बताना है कौन 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 से हिस्से में त्रुटि है यहां पर आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है गुजर गई नहीं गुजर रही है यार मानसिक तनाव से क्या हुआ गुजर रही है तो गलती कहां ये गुजर रही है गुजर गई यही गलती होगी गुजर रही है ये होना चाहिए था चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देख लीजिए इसको देखिए यहां बोला गया आजीवन में समाज कौन सा रहने वाला है देखो रेखांग शब्द बोला तो पूरा पढ़ने की जरूरत क्या है कि बीस पितामा ने आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया था समझ रहे ना तो समास कौन सा हो जाएगा आजीवन आ आ गया पहले और जहां पहले क्या जाता है क्या जाता है तक... उपसर्ग आ जाता है वह अविवाहित समाज की मतलब क्या हो जाता है उत्पत्ति हो जाती है 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 जहां आ आ एक उपसर्ग है, और आ उपसर्ग और जाता है, वह अविवाहित समाज हो जाएगा कारक जहां आ जाता है वह तत्पुर समाज हो जाएगा पहला दूसरे शब्द की विशेषता बताता है कर्मधार समाज हो जाएगा जहां गिनती आ जाती है तिंगू समाज हो जाएगा चलो लॉक करें हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इसको देखेंगे नाइनटीन एट क्वेश्चन बोल रहा है बेटा नाइन क्वेश्चन बोलेंगे ध्यान से देखेंगे यहां बोला गया हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है आपको सबको बता होगा 14 सितंबर उन्नीस को हिंदी भाषा को घोषित किया गया था तो 14 सितंबर इस राइट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन 90 को देखेंगे यहां बोला है किस विकल्प में दोन समाज नहीं है कौन से विकल्प में दोनों समाज नहीं है मतलब दो बार नहीं आया है दोन समाज कौन सा नहीं है यह बताना है बेटा कौन से विकल्प में दोनों समाज नहीं है सभी लोग कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे दोन समाज कौन से में नहीं है बिल्कुल सही है बेटा दोन समाज देखो बात करें देखो सुभासुभ की बात करें सुभासुभ जो लगातार होता है यह सुभासुभ जो है ना वो देखो दात देखो दाल भात दाल भात विलोम शब्द एक दूसरे के दोन समाज विलोम है सुभागम ये भी विलोम है एक दूसरे के लेकिन कहते हैं सुभासुभ यह क्योंकि अव्यवाही समाज होगा जो कि लगातार कोई काम होता है वह अव्यवाही समाज के अंतर्गत रखा जाता है सोमा क्वेश्चन है बेटा बीरो का कैसा हो ठीक है वसंत तो ये किसकी कविता है आपको पता है बीरो की तो बात की जाती है था था तो वहां तो हमारी आ जाती है कौन कुमारी कौन आपको पता है जहां बीरो की बात की जाती है बीरो में कौन थी लक्ष्मी का लक्ष्मी थी ना तो झांसी की रानी अब झांसी की रानी को हम सिर्फ कुमारी को याद कर लो कुमारी है तो क्या हो जाएगा सुमित्रा कुमारी चौहान बिल्कुल सुमित्रा कुमारी चौहान जाएगा बेटा सुब्रा ठीक है सुमित्रा कुमारी चौहान ऑप्शन नहीं करनी है तो यह था आपको पचास क्वेश्चन जिसमें से आपको चालीस क्वेश्चन प्लस होंगे मुझे पता है यदि आपने जो भी है कॉमेंट सेक्शन बताओ करना बैलक करना बाय बाकी डेली आप क्लास लीजिए दस बजे से हिंदी की बहुत जरिए फास्ट क्लास के साथ में चलो सब्सक्राइब करना बैलक प्रेस करता हूं लव यू टू सभी को बाय बाय